ऑडिबल फाइन. सो एरिया वेक्टर समझिए. नाउ सपोज ये एक सरफेस है, दिस इज अ सरफेस राइट. इस सरफेस का मुझे एरिया वेक्टर बनाना है, तो मैं इस सरफेस का एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करूं ds, और उस एलिमेंट से ये देखो ये बार के डायरेक्शन में क्या बना दूं, वेक्टर. दिस इज कॉल्ड एरिया वेक्टर. परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन द आउटवर्ड डायरेक्शन बार की तरफ, ये वेक्टर क्या डिनोट करता है, एरिया वेक्टर. क्लियर. सो एरिया वेक्टर क्या है, किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकलने वाला वेक्टर उस सरफेस का क्या कहलाता है, एरिया वेक्टर. दिस इज अ सरफेस, इससे मुझे वेक्टर डिनोट करना है. एक सरफेस का एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करो ds, वहां से एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या निकालो, वेक्टर. दिस इज कॉल्ड एरिया वेक्टर, ds के ऊपर वेक्टर राइट. अब ये एरिया वेक्टर जरूरी नहीं है कि सरफेस का ही हो, मान लो ये वॉल्यूम है. क्या ये वॉल्यूम, इस वॉल्यूम का भी तो सरफेस होगा, होगा कि नहीं, वॉल्यूम ऑल्सो हैज अ सरफेस. तो सरफेस से एक वेक्टर निकाल दो, दैट वेक्टर वुड बी एरिया वेक्टर राइट. तो किसी भी सरफेस से निकलने वाला परपेंडिकुलर वेक्टर इज द एरिया वेक्टर. नाउ सी हियर, एरिया वेक्टर है ds वेक्टर. ठीक, मान लो इस डायरेक्शन को कंसीडर करो n कैप, क्या कंसीडर करो n कैप. तो मैं ds वेक्टर को लिख सकता हूं क्या, इसका मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर उस डायरेक्शन में. बिकॉज यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. तो वेक्टर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड. आई कैन ऑल्सो राइट एरिया वेक्टर एज दिस. यहां पे आप एक चीज देख रहे होंगे, एरिया वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो जो आपने सरफेस एलिमेंट लिया था ना, उस सरफेस एलिमेंट के एरिया के इक्वल. ds क्या है, एक सरफेस एलिमेंट का एरिया है ना. तो एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक सरफेस एलिमेंट का एरिया. और डायरेक्शन क्या होता है, उस सरफेस एलिमेंट के परपेंडिकुलर जो बाहर की तरफ डायरेक्शन निकल रहा होगा, दैट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया वेक्टर. लिखिए, परपेंडिकुलर तो दोनों साइड, किसी भी साइड होगा, दूसरी साइड, हाँ कहीं से भी, इस साइड भी निकल सकता है, इस साइड भी, आउटवर्ड एंड निकलना चाहिए. तो उस साइड भी निकाल दो, बात तो वही है, एन कैप से शो करोगे उसको भी. ठीक, हाँ नहीं नहीं, पहले लिखो डेफिनेशन, एरिया वेक्टर. A small area of a surface enclosing a given volume can be represented as area vector full stop. The direction of ds vector, of ds ke upar vector, is perpendicular to the surface, is perpendicular to the surface and outwards. Make the diagram.
और उसके नीचे ये लिखिए ds वेक्टर इज इक्वल्स टू ds डॉट n कैप। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एनीबडी हू हैज लिसन अबाउट दिस वर्ड या लर्न अबाउट दिस वर्ड फ्लक्स? बुक में लिखा है? ओके गुड एज एक्सपेक्टेड। और कोई? डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला था जैसे, बस वही निकाला था और कहां देगा था। इसके अलावा क्लास एक्सीलेंट गुड। टेंथ में था, कहां पे? इलेक्ट्रिसिटी में या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट में? सीसी में, मैग्नेटिक्स में था। ओके गुड गुड, मैग्नेटिक्स में था। किसी भी सरफेस से जो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकलती थी वो मैग्नेटिक फ्लक्स था। कर कोई नहीं, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट। नाउ सपोज अगेन दिस इज अ सरफेस, इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकलेगी कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग परपेंडिकुलर टू एनी सरफेस। इस सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकलने वाली टोटल फील्ड लाइंस क्या बताएंगी आपको? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पहला कॉन्सेप्ट राइट। देखो यही बुक मैंने कहां बना दी? बोर्ड पर। इसमें से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, राइट। टोटल नंबर ऑफ दीज फील्ड लाइंस विल गिव यू व्हाट? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये तो हो गया फिजिकल कॉन्सेप्ट। मैथमेटिकल, सपोज इस सरफेस का एरिया कितना है? एस। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ई वेक्टर। करेक्ट। मतलब मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ई। सो मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको आप किससे डिनोट करते हो? फाइ इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द सरफेस एरिया। ई इंटू एस, सरफेस और सरफेस के परपेंडिकुलर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड। दिस वर्ड परपेंडिकुलर एज अ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस। अगर इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर नहीं है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए उसका कोई भी योगदान नहीं होगा। ओनली द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस विल गिव द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो दिस वर्ड परपेंडिकुलर हैज अ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस। यहां पे सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपने ई इंटू एस कर दिया। सो मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द सरफेस परपेंडिकुलर टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द सरफेस परपेंडिकुलर टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी वाली? संजी लिखा है, संजी सभी वाटर। कहां चले गए तुम लोग? हम लोग खाने गए। ये संजी या संजू लिखा है किसी गाड़ी में? कौन है? व्हाइट है। अरे इसकी तो व्हाइट तो एक ही है वो का। दुर्गेश जाओ हटाना वो गाड़ी निकाल। एंगल लॉक है क्या उसका? अरे कोई भी एक चले जाओ, हम रुके हैं दो मिनट। वो गाड़ी निकलवा दू, हम रुके हैं, जल्दी जाओ।
जरा जल्दी जाओ बताओ कौन सी है। वो वाली कौन सी वाली रेड के रेड जो खड़ी है। जाओ जाओ उसे हटाओ। आप भी चलो। आप भैया बहुत दुख है यार। क्या हो गया? माइक ऑन है रिकॉर्डिंग ऑन है तुम्हारे दुख बाद में जी नहीं। अरे बताओ उसको कौन सी यार परी। माइक बंद कर देते कल छुट्टी क्यों है? कल ऐसे 8 दिन हो गए। नहीं कल 8 दिन हो गए छुट्टी भी दी छुट्टी है। हाँ इतने दयालु हो रहा यार। चलो निकल जाएगी। बाय बाय। ये सब रिकॉर्डिंग में जाता होगा यार। अच्छा वो क्लासी वाले देखते लेक्चर्स। क्या समझा रहा था? फ्लक्स। आ जाए वो वेदांत भाई। अरे लेकिन प्लस में तो आ गया था। नाश्ता करवे तो नहीं चलोगे? कम नहीं है जल्दी आओ। अरे मतलब जल्दी आओ उससे कह रहे हैं जल्दी आओ। लग रहा हो तुम निकल गया नाश्ता। राइट ओके 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 फोकस है। सो इस सरफेस से परपेंडिकुलर निकलने वाली टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विल कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ए बी टी और एस का प्रोडक्ट विल गिव यू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स बशर्ते ई जो है वो सरफेस के कैसी हो परपेंडिकुलर। ठीक मान लो केस नंबर 3 के आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे वेरी कर रही है इन द सेंस कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है। सपोज देखो नाउ एक रफ सरफेस ले लो। दिस इज अ रफ सरफेस राइट। नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ये आपकी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक एक सरफेस कंसीडर करो छोटा सा डीएस। क्या कंसीडर करो? डीएस। एक सरफेस का परपेंडिकुलर अगर आप एरिया वेक्टर बनाओगे दिस वुड बी द एरिया वेक्टर। ये सरफेस का इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर खींचो। आप देख पा रहे हो कि आपका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक डायरेक्शन में नहीं है। नहीं है। अगर एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कॉन्स्टिट्यूट करती। देखो इस केस में इस सरफेस का एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में बनेगा सरफेस से बाहर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी उसी डायरेक्शन में थी तो आपको फ्लक्स मिल रहा था। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एरिया वेक्टर नहीं है, है ना? मतलब सरफेस का डायरेक्शन कुछ और है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ और। दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा। राइट सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ही विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड करेगी? कौन बताएगा? जिस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में हो वही इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कॉन्स्टिट्यूट करती है। यहां तो है नहीं फिर क्या करोगे? क्या करेंगे अर्पिता? बोलो बोलो। एक्सीलेंट सिस्टम वेरी गुड। और कोई? हाँ दुर्गेश नहीं पता क्या करेंगे? इसको रिजॉल्व कर लो दो कॉम्पोनेंट में। इसको रिजॉल्व करोगे दो कॉम्पोनेंट में तो थीटा से लगा कॉम्पोनेंट कौन सा होता है? ई कॉस थीटा। और परपेंडिकुलर वाला कौन सा होता है? ई साइन थीटा। हमें घंटे नहीं जरूरत परपेंडिकुलर वाले की। कौन सा चाहिए? जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में।
कौन सा है? E cos theta. So now the E cos theta will constitute the electric flux. So in that case, अगर मुझे इतने से सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स पता करना है, that would be d phi, small amount of flux. I can write this d phi is equals to electric field कौन सी? E cos theta. और एरिया कौन सा? ds. लिख सकते कि नहीं? यही तो लिख रहे थे, E into F लिख रहे थे. यहां पे एरिया क्या है? ds. और इससे निकलने वाली एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है? E cos theta. I can write E cos theta into ds. और I can write d phi is equals to E ds cos theta. और I can write d phi is equals to E vector dot ds vector. A d cos theta, A dot b, A vector dot b vector. ठीक, this is the small amount of flux from the small surface, that is ds. ऐसे सरफेस एलिमेंट पूरे सरफेस पे लाए करते हैं. मुझे अगर पूरे सरफेस के कारण टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो इसको क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो. इंटीग्रेट टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस वेक्टर ओवर द होल सरफेस. दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज अ जनरल केस. ये आपका जनरल केस है. इस केस से आप इस पर पहुंच सकते हो. कैसे पहुंच सकते हो? देखो, E डॉट ds का मतलब क्या है? अगर यहां लिखो तो phi इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E ds cos theta if theta इज इक्वल्स टू जीरो. थीटा रखता है जीरो. थीटा जीरो है मतलब अब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन है ना. वो इनिशियल वाला केस बन जाएगा. यहां पे थीटा जीरो रखोगे cos जीरो की वैल्यू हो जाएगी वन. बचेगा E इंटू ds. फाई इज इक्वल्स टू E को बाहर निकाल लो इंटीग्रेशन ऑफ ds ओवर होल सरफेस. होल सरफेस पे ds को इंटीग्रेट करोगे तो s मिलेगा. मिलेगा कि नहीं? यू विल गेट phi इज इक्वल्स टू E इंटू s. गॉट दिस केस? मिल गया ना? इट मींस दिस इज अ जनरल फॉर्मूला. क्या हुआ? क्या हुआ? ये वाला डायग्राम से थोड़ा समझ नहीं आया. ये वाले डायग्राम से नहीं समझ में आया तो इस वाले कौन सा? ये स्पेशल केस? नहीं नहीं, ये जो मेन वाले थे जनरल वाले. मेन वाले? अरे कुछ नहीं, समझो. फिर से सुनो. हाँ, E कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगी. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कॉन्स्टेंट. तो कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन करते हो क्या? नहीं, बाहर आ गए. ds का इंटीग्रेशन कर रहे हो. सरफेस को पूरे सरफेस के लिए इंटीग्रेट करोगे तो पूरा सरफेस मिल जाएगा ना. ये आपका सरफेस है, एक एलिमेंट है ds. इन सारे एलिमेंट्स को इंटीग्रेट कर दोगे तो ये पूरा सरफेस s मिल जाएगा. वही किया. सुनो, फिगर मैंने कहा, अच्छे समझना. इनिशियली क्या होता है? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है. किसके परपेंडिकुलर? सरफेस के. इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन, क्योंकि एरिया वेक्टर भी तो सरफेस के परपेंडिकुलर है. इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? E इंटू एस, नॉर्मल फॉर्मूला. क्योंकि हमें वो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए जो सरफेस के क्या हो? परपेंडिकुलर. दूसरा केस मैंने लिया ये वाला, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से वेरी कर रही है कि वो सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन एरिया वेक्टर जो है वो तो सरफेस के परपेंडिकुलर ही है. और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बनेगा. मैंने एक इरेगुलर सरफेस लिया, उस सरफेस का एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया ds. एक इस स्मॉल एलिमेंट ds से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है. ठीक, सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होता है? उस सरफेस के परपेंडिकुलर. इस ds के परपेंडिकुलर एक वेक्टर खींचो. मैंने माना ये जो ds है ये सरफेस के क्या है? परपेंडिकुलर. दिस इज द एरिया वेक्टर.
इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल बना? थीटा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में नहीं है, तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए कॉन्स्टिट्यूट करेगी क्या? नहीं। लेकिन अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो में क्या ले लूं? कंपोनेंट। तो थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट होता है कॉस थीटा और परपेंडिकुलर वाला होता है साइन। इसकी जरूरत हमें नहीं है। कौन सा कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए कॉन्स्टिट्यूट करेगा? ई कॉस थीटा। बिकॉज ई कॉस थीटा इज द डायरेक्शन, इज इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, राइट। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? उस सरफेस से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर मल्टीप्लाइड बाय उसका सरफेस एरिया। तो मैंने वही तो लिखा, छोटा सा फ्लक्स जो छोटे से सरफेस से निकला है वो कितना है? उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट यानी ई कॉस थीटा और उसका सरफेस एरिया डीएस। लिखा कॉस थीटा को आगे लेके ई डीएस कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। डी फाई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। Clear? This is the small amount of flux from the small surface. Total flux निकालना है पूरे सरफेस का, तो इसी इक्वेशन को पूरे सरफेस के लिए क्या कर दो? इंटीग्रेट। Phi is equals to d phi का इंटीग्रेशन, मतलब E dot ds का इंटीग्रेशन फॉर द होल सरफेस। आगे क्यों दिखे? हाँ भैया आ गया। और ये पूछना था कि ये जो सरफेस ले रहे हैं वो एक्चुअली में कोई सरफेस है या फिर फ्री स्पेस में बस अज्यूम कर लिया कि ये एरिया ले रहे हैं? फ्री स्पेस में एक सरफेस है। अब अपन कहीं और जाने के मीडियम में क्या कर, हाँ अज्यूम मतलब एक एक इरेगुलर वॉल्यूम अज्यूम कर लिया, कोई भी बॉडी है थ्री डी। ये सरफेस कुछ भी होता है, रेगुलर भी हो सकता है इरेगुलर भी हो सकता है। तो पहला केस रेगुलर से बताया, दूसरा इरेगुलर से बता दिया। हाँ भैया, राइट। सो वी गॉट ई डॉट डीएस का इंटीग्रेशन, मतलब ई डीएस कॉस थीटा। अब अगर मुझे अपने पहले वाले केस में पहुंचना है, ये वाला केस देखो, ये इस केस में क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो परपेंडिकुलर थी सरफेस के, तो आपको फॉर्मूला क्या मिला था? E into S। तो हम इस जनरल केस में अगर थीटा की वैल्यू जीरो रखते हैं, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड आपके सरफेस के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या है? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन। ये बहुत समझने वाली चीज है। सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होता है और सरफेस के परपेंडिकुलर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो केस सही है। तो हमने क्या लिखा? थीटा को रखा जीरो। आप बोलोगे भैया आप कह रहे हो कि सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है और थीटा रख रहे हो जीरो। तो सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर भी, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल तो जीरो ही होगा। तो यह कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। दोनों की बात क्या है? सेम, बिकॉज एरिया वेक्टर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द सरफेस। दैट्स व्हाई यहां पे थीटा क्या ले रहे हो? यू विल गेट द मेन केस, दैट इज ई इंटू एस। गॉट इट? अगर इसी केस में थीटा होता 90, मतलब कि आपका ये सरफेस है और इसके पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है, दे विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस केस में आपका फ्लक्स क्या आता? सेकेंड डिस्कशन। गॉट इट? द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गॉसियन थ्योरम या गॉस लॉ। लिखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर से लिखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ लिंक LINKED लिंक्ड विथ any surface is defined as the total number of electric field lines passing
पासिंग थ्रू द सर्फेस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू द सर्फेस परपेंडिकुलरली फुल स्टॉप लाइन चेंज पैरा चेंज कंसिडर अ सर्फेस एस कैपिटल एस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स representing the electric field lines representing the electric field E vector capital E vector ruko full stop नहीं फुल स्टॉप नहीं कॉमा पासिंग नॉर्मली थ्रू द सरफेस नाउ फुल स्टॉप साइड में छोटा सा डायग्राम बनाओ ये वाला ये नॉर्मल वाला ये जो क्यूब ये स्क्वायर जो बना है जो भी है इस चैप्टर के है अभी तो काफी है अब ऐसे तो नहीं बता सकते हम मतलब 40 50 15 20 पेज इसके बाद वाला ठीक है मतलब छोटा तो नहीं है फिजिक्स में लेंथ है इस बार नहीं इसके बाद वो पढ़ेंगे छोटा अब सीधा फिफ्थ है फिफ्थ भी नहीं सिक्स्थ है सिक्स्थ है इंडक्शन फिफ्थ थोड़ी है तो मैग्नेटिक्स का दूसरा वाला चलो चलो लिख लो फाइव इक्वल्स टू ई डॉट एस सबसे ऊपर जो बोर्ड पे लिखा ना वो बीच में ब्रैकेट कर लो ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं वैसे मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं मतलब मतलब एक थ्योरेटिकल कोई रीजन है इसका ई और एस को मल्टीप्लाई करने का क्योंकि 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 जब अपन ने टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस काउंट की वो ई इनटू एस के मल्टीप्लिकेशन की इक्वल आ रही तो मैथमेटिकली सेटिस्फाई उसको तो ये टोटल लाइंस या फिर सिर्फ एक पर्टिकुलर हिस्से की लाइंस है नहीं ये पूरे सरफेस से निकलने वाली टोटल लाइंस है पूरे सरफेस से जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकल रही है वो है और ये फाइव भी तो वही दे रहा है लेकिन नंबर ऑफ लाइंस तो वही तो मैं कह रहा हूं तो फाइव ही तो दे रहा है टोटल नंबर ऑफ लाइंस तो फाइव को निकालने के दो तरीके या तो इन टोटल नंबर ऑफ लाइंस को काउंट कर लो और यही टोटल नंबर ऑफ लाइंस किसके इक्वल आएंगी ई इंटू एस के हाँ भैया मतलब वो जो ई है वो एक पर्टिकुलर हिस्से की नंबर ऑफ लाइंस और उसको सारे मतलब क्या है नंबर ऑफ हिस्से मतलब हिस्से की क्या है मतलब कि एक कोई जैसे 1/10 हिस्से की लाइन है वो और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे भाई नहीं देखो मान लो ये सरफेस है इसका सरफेस एरिया है 10 मीटर स्क्वायर इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 4 न्यूटन पर कूलम तो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस 10 मीटर स्क्वायर के एरिया में से कितने निकल रही है 40 ना भैया लिखिए 10 फाई में ऑल्सो बी डिफाइंड एज 10 फाई में ऑल्सो बी डिफाइंड एज The product of
मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रैकेट में ई, वेक्टर में सिर्फ ई कैपिटल ई ब्रैकेट क्लोज, एंड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ब्रैकेट में एस, सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। परपेंडिकुलर पूरा मत लिखा करिए, दिस इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, फुल स्टॉप। राइट, नाउ लाइन चेंज, पैरा चेंज, सब कुछ चेंज। नहीं नहीं कॉपी नहीं, उसी कॉपी। नाउ कंसीडर, कंसीडर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज ओवर द सरफेस, वेरीज ओवर द सरफेस, फर्स्ट ऑफ अज्यूम अ स्मॉल एरिया एलिमेंट, अज्यूम अ स्मॉल एरिया एलिमेंट डीएस लाइन चेंज, लेट थीटा बी द एंगल, लेट थीटा बी द एंगल मेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, मेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड विद एरिया वेक्टर, विद एरिया वेक्टर। फर्स्ट स्टेप लाइन चेंज, देयरफॉर ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इज द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस डीएस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस डीएस। लाइन चेंज, देयरफॉर डी फाई इज इक्वल टू, तीनों स्टेप लिखो, ये वाले तीनों स्टेप, देयरफॉर एक दो तीन, अरे यार ये डायग्राम बनाना था इसमें यार, बना लेना है ना, ऐसा कुछ था। बना लो ये डायग्राम, बना लेना। हाँ सर, क्योंकि इरेगुलर सरफेस है तो पूरे सरफेस का एरिया नहीं पता ना अपन को, तो क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं छोटा छोटा लेके। किसकी फाई? अच्छा फाई का कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया? फाई की जरूरत, फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट कर रहे हैं फाई से, फाई तो सिर्फ डिनोशन है। तो अब तुम ये पूछ रहे हो कि इस कॉन्सेप्ट की क्या जरूरत पड़ी, तो वी विल सी, गॉस लॉ में इसका यूज है, इसलिए हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा। तो फाई की जरूरत, एक दो तीन, राइट, लिखिए देयरफॉर
टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi is equals to integration of d phi is equals to integration of e ds cos theta over the whole surface. पहले ये वाला स्टेप लिखना, फिर ऊपर वाला लिखना, ठीक है? पहले ये स्टेप, फिर ऊपर वाला. ऊपर वाले में ब्रैकेट बना लेना. लिमिट्स कहां से कहां तक? लिमिट्स बेटा अभी समझ में आएगा, लिमिट्स जब अपन वो निकालेंगे, गॉस लॉ में सरफेस यूज करेंगे. लिमिट्स कुछ नहीं रहती, जैसे मान लो स्फीयर है, तो स्फीयर में ds का अगर इंटीग्रेशन करोगे क्लोज्ड सरफेस में, तो वो 4 पाई स्क्वायर बन जाएगा, है ना, पूरे सरफेस का एरिया. तो जब अपन एरिया या सरफेस इंटीग्रल निकालते हैं तो उसमें लिमिट की जरूरत नहीं पड़ती, अगर सरफेस अपन को पूरा गिवन है, राइट? और अपन जिसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूज गॉस लॉ में करेंगे, वहां पे अपन को पूरे के पूरे सरफेस डिफाइंड मिलेंगे, या तो सिलेंडर या फिर स्फीयर. तो आपको सिलेंडर का भी सरफेस एरिया पता है, स्फीयर का भी पता है, तो आपको लिमिट रखने की जरूरत नहीं. डीएस का होल इंटीग्रेशन क्या देगा? एस, दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ एनी कॉन्स्टेंट फिगर. ओके, राइट? कहां तक लिखिए पूरा? दस phi may also be defined as, PC definition, phi may also be defined as the surface integral of electric field, the surface integral of electric field over that surface, surface integral of electric field over that surface. First off, इसका मतलब यह है, this is called surface integral. आप maths में देखोगे किसी भी quantity को ds के respect में integrate करना क्या कहलाता है? Surface integral. किसी भी क्वांटिटी को dl के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना गलत है, लाइन इंटीग्रल. और जब dv के रिस्पेक्ट में करोगे तो वॉल्यूम इंटीग्रल. सो एनी क्वांटिटी विच इज इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू सरफेस इज कॉल्ड सरफेस इंटीग्रल. विद वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटीग्रल, एंड विद लेंथ, लाइन इंटीग्रल. तो e डॉट ds को क्या कहेंगे? सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो मैथमेटिकल डेफिनेशन है, कुछ नहीं. स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस. नंबर वन, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 degree, फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस 0. कॉस 0 हो जाएगा 1, ई कॉन्स्टेंट है बाहर लो, इंटीग्रेशन ऑफ ds will give you s. This is maximum. Look, look. Come copy. Done. मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं हमें सरफेस के परपेंडिकुलर मिल गई, उस केस में किसी भी सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स क्या होता है? मैक्सिमम होता है. क्या होता है? मैक्सिमम. ये वही चीज शो कर रहा है. नंबर टू, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 degree, इन दैट केस फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस
90, मतलब phi इज इक्वल्स टू 0. देखो डेप्थ को समझो, फिर से बता रहा हूं, कभी भी इस चीज में कंफ्यूज मत होना. अंडरस्टैंडिंग द डेप्थ, थीटा इक्वल्स टू जीरो का मतलब है सरफेस के परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर आपको क्वेश्चन में लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो थीटा 90 मत लेने लगे. समझो इस चीज को, सरफेस के परपेंडिकुलर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब थीटा जीरो है. क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर. दीज थ्री लाइन हैज अ वाइड इंपॉर्टेंस फॉर योर सीबीएसई, इवन फॉर योर कंप्यूटर. हमेशा ध्यान रखना, थीटा जीरो का मतलब क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक. तो यहां आप एरिया वेक्टर से ले रहे हो, इसलिए आपने थीटा क्या रखा है, जीरो. बट इसका अपोजिट वाइस वर्सा, सेकंड लिखिए गॉस लॉ. हेलो, हाँ क्लास में है बेटे, क्लास में, क्लास में बोल चल है, छोटे तीन जाके ले लो एग्जाम चलेंगे. तो अरे तो 11:30 से मिलन लगे ना, चलो नहीं गॉस लॉ यार, थीटा 90 से ज्यादा नहीं होगा ना, नहीं दो केसेस बस. क्योंकि वो अपन सरफेस की दूसरी तरफ कंसीडर कर लेते हैं, बिकॉज फ्लक्स इज द स्केलर क्वांटिटी. नहीं गॉस लॉ के पहले है ही डाल ली ऐसा ही. अच्छा कहीं साइड में जगह हो तो ऐसा ही लिख लो, काय के लिखोगे प्लस क्या होगा, मीटर माइनस. न्यूटन कूलम माइनस वन मीटर स्क्वायर. ई डॉट डीएस है ना फॉर्मूला, ई की होती है न्यूटन कूलम माइनस वन, और डीएस एरिया है, एरिया की क्या होगी, मीटर स्क्वायर. न्यूटन कूलम माइनस वन मीटर स्क्वायर, ऐसा ही अलग दिख रहा होगा. फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, दो डॉट प्रोडक्ट ले रहे ना, गॉस लॉ. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, वन क्वेश्चन इन द सीबीएसई पक्का इससे आएगा, गारंटेड आएगा. सो ओके रिलैक्स एंड वी विल स्टार्ट. Let's start, right? Gauss
अनदर फिजिसिस्ट, ब्रिलियंट वन, बहुत सी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस को सॉल्व किया है. आपको पता होगा गॉस इज ऑल्सो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. गॉस मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट भी है. बात की बात अगले चैप्टर. फिर व्हाट गॉस डिड, सी उन्होंने क्या कहा, कहते हैं कि मान लो एक कोई भी क्लोज्ड सरफेस है, राइट, इस सरफेस के अंदर चार्ज है प्लस क्यू. कोई भी चार्ज. गॉस कहते हैं इस सरफेस से निकलने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू, पहले से फॉर्मूला में पता है फाई का क्या होता है, ई डॉट डीएस वेक्टर ओवर द होल सरफेस. ये फॉर्मूला में पता है. गॉस कहते हैं कि ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना इस क्लोज्ड सरफेस से निकलने वाला, वो कितना होगा. कहते हैं कि वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस. सीधी सीधी सिंपल सी बात कही होगा. कहते हैं कि मान लो एक क्लोज्ड सरफेस है जिसके अंदर चार्ज क्या है प्लस टू, तो उस क्लोज्ड सरफेस से निकलने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स वुड बी वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस. मतलब वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द क्यू, बिकॉज क्यू इज द चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस. पहली चीज ठीक. तो E डॉट ds तो हमें पहले से पता था. गॉस ने कहा कि E डॉट ds किसकी इक्वल होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर क्यू इज द चार्ज एनक्लोज्ड विद इन एनी क्लोज्ड सरफेस, राइट. इस चार्ज q के कारण आप इस सरफेस पे कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो सेम आएगी. क्या आएगी, सेम. देख लो ना डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, r. तो इस चार्ज के कारण जो सेंटर पे है आप पूरे सरफेस पे जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे इंटेंसिटी वो हमेशा क्या आएगी, सेम. ऐसे सरफेस को कहते हैं गॉसियन सरफेस. क्या कहते हैं सरफेस को, गॉसियन सरफेस. गॉसियन सरफेस इज अ इमेजिनरी सरफेस, रियल में नहीं है. क्या है, इमेजिनरी सरफेस है. सच दैट एनी पॉइंट ऑन दिस सरफेस विल हैव द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. किसी भी पॉइंट पे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, सेम, राइट. तो अगर ऐसे सरफेस पे टोटल फ्लक्स पता करना है तो कितना होगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. प्रूफ इसका बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल भी. क्या है, बहुत सिंपल. कैसे सिंपल है, देखो चार स्टेप में बता दूं फिर लिखने का तरीका तो उसका हमें पता ही है. कैसे, देखो यहां पे एक एरिया कंसीडर करो ds, ठीक, जहां पे एक पॉइंट लाई करता है सरफेस पे p, ठीक. यहां से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनाओगे पॉइंट पी पे तो आउटवर्ड इट प्लस क्यू के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, और यहां पे अगर इस सरफेस का एरिया वेक्टर खींचोगे तो वो भी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड इट. मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है. एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सरफेस से परपेंडिकुलर आउटवर्ड इट, दोनों सेम डायरेक्शन E और ds. माना कि मैंने पॉइंट P पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जहां से डिस्टेंस है r, तो वो हो जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर. इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर भी लगा दो यूनिट के, ठीक. आप LHS लेके चल रहे हो, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, ठीक है. LHS लेके चलो, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds कितना है, ds को लिख सकते हो ds डॉट n कैप. देखा ना, मतलब ds का भी वेक्टर क्या है, n कैप. नाउ r और n कैप दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो r डॉट n कैप वन हो जाएगा, हो जाएगी नहीं. r इज द यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन है, n इज द यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन है.
तो आर एन कॉस थीटा करोगे तो थीटा जीरो तो वन, तो ये तो दोनों गए, तो बचा सिर्फ कितना, इतना, बाकी सब तो है कॉन्स्टेंट। इंटीग्रेशन सिर्फ किसका करोगे, डीएस का। अगर इस स्फेयर का पूरा इंटीग्रेशन करोगे तो डीएस किसकी इक्वल आएगा, इसके सरफेस एरिया के, इसके सरफेस एरिया के, जो कि क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो प्रूफ तो सिर्फ इतना था, चार स्टेप लिखने का तरीका होता है। सो यू हैव प्रूफ दैट ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टेंशन मत लीजिए, दिस वॉज टू शॉर्ट, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन द होल कॉन्सेप्ट। समझ में आया गॉस लॉ? गॉस लॉ कहता है किसी भी क्लोज्ड सरफेस जिसके अंदर चार्ज क्यू है उससे निकलने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स वुड बी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पूरी की पूरी बात फ्री स्पेस में हो रही है, मतलब कि एयर, कहां हो रही है, एयर। दिस इज द गॉस लॉ। वी हैव प्रूव्ड द गॉस लॉ विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वी विल प्रूव इट अगेन। गॉट द कॉन्सेप्ट? एनी डाउट? जी हाँ, समझ में? जेड, हाँ तरेश, हाँ दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी इसके भाई सब केसेस में आएंगे, फिलहाल के लिए कौन सा शुरुआत कहां सीखे हमने, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो गए अंदर तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा, बिकॉज यहां पे फिर चेंज होता जाएगा, नेट चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू माइनस क्यू। तो अगर डायपोल रखोगे तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या रहते हैं, जीरो। बात की बात, एनीथिंग एल्स? लिखिए गॉस लॉ। इट स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ब्रैकेट में फाइव थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस ब्रैकेट में एस इन फ्री स्पेस, इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू, इज इक्वल टू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ऐसे लिखो, वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टाइम्स द टोटल चार्ज, टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड विद इन दैट सर्फेस, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड विद इन दैट सर्फेस। राइट दिस, सुनो, देखना क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं इस एस को हटा के ये गोला बना रहा हूं, राइट? दिस इज द साइन ऑफ कॉन्टूर इंटीग्रेशन, क्लास 12th की मैथमेटिक्स में आएगा, सुन लो अच्छे से। दिस इज द साइन ऑफ कॉन्टूर इंटीग्रेशन। कॉन्टूर इंटीग्रेशन का मतलब है क्लोज्ड सरफेस को इंटीग्रेट कर, किसको कर रहे हो, क्लोज्ड सरफेस को। तो यहां पे क्या लगा दिया, इसका मतलब है इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड सरफेस, कहीं पर लिख लेना शॉर्ट में ऊपर, दिस साइन इज कॉल्ड कॉन्टूर इंटीग्रेशन। रविकांत आज कहा है, बुखार आ गया, स्कूल तो ऑनलाइन कर लेगा,
पास निकाल के बोलो, अगर पार्थ इससे पहले नहीं, पार्थ नहीं आया, पार्थ इसके पहले नहीं आया, डन। हेडिंग डालिए प्रूफ, प्रूफ और डायग्राम बनाइए। Consider बन गया, कंसिडर अ चार्ज प्लस क्यू, enclosed, consider a charge plus q, enclosed काट लो, placed at point O, placed at point O, इसको point O दे देना जहां पे q रखा है center पे, first stop, let let the surface be a sphere of radius r around the charge q. First of all, this sphere is called Gaussian surface. Gauss में I A N लगा लो, Gauss लिखा है उसमें I A N, Gaussian surface. अच्छा ओके, फर्स्ट ऑफ लाइन चेंज, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू, एट पॉइंट पी कैपिटल पी ड्यू टू प्लस क्यू, शुरू हो जाओ। E vector is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square r unit cap, equation number 1. Consider
small area ds. Consider a small area ds with area vector ds vector. First stop. Therefore, d phi is equals to E vector dot ds vector is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square r cap dot ds n cap. ठीक, या तो ये तरीका है करने का, लिखो इसको पहले, या दूसरा तरीका ये है, E dot ds को लिख सकते हैं E ds cos theta. तो E का मैग्नीट्यूड ds का मैग्नीट्यूड और cos theta में theta कितना हो जाएगा, जीरो, तो cos theta हो जाएगा वन. तो ये काय का r cap और काय का n cap, वैसे कर लो अगर करना है, समझे? क्या लिख सकते हो? E ds cos theta लिख सकते हो. थीटा की वैल्यू जीरो है क्योंकि E और ds दोनों सेम डायरेक्शन, तो क्या बचेगा? E dot ds काय का r और काय का n. या फिर ऐसे लिख लो, ds और साथ में r dot n, एट द एंड ये वन हो जाना है, तो बचना यही है 1 अपॉन 4 पाई साइलन नॉट q अपॉन r स्क्वायर डॉट ds, d phi r. हाँ, ब्रैकेट में सिंस r कैप डॉट n कैप इज इक्वल्स टू 1. Therefore, total electric flux, over the entire closed surface, by total electric flux over the entire closed surface, phi is equals to integration of E dot ds is equals to one upon 4 pi epsilon naught q upon r square contour integration of ds is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square into 4 pi r square. इस स्टेप के साइड में सिंस करके लिखोगे, कॉन्टूर इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, दैट इज योर 4 पाई आर स्क्वायर. आर स्क्वायर से आर स्क्वायर. Phi is equals to E dot ds का contour integration is equals to q upon epsilon naught. हो गया proof.
मॉर्निंग में 8 बजे रिवीजन क्लास है, जिनका पोर्शन छूटा है वो 3 दिन कर सकते हैं, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे। जिनका जो टॉपिक छूटा है वो टॉपिक उस दिन आगे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले दिन चलेगा अप टू इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट, दूसरे दिन इलेक्ट्रिक फील्ड लेंस और डायपोल, और तीसरे दिन डायपोल करके कंप्लीट। तुम लोगों के लिए नहीं है, तुम लोग तो रेगुलर आ रहे हो ना, बस करना होती तुम हाँ। हेडिंग डालो लास्ट लास्ट, डेफिनेशन लिखनी है गॉसियन सरफेस की, लिखो डेफिनेशन ऑफ, मतलब लिख लो गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस इट इज एन इमेजिनरी, इट इज एन इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस अराउंड अ चार्ज, इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस अराउंड अ चार्ज क्यू, क्यू सच दैट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स, एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस इज सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस इज सेम। हाँ हो गया,